मंजिल है लापता, ले जाएंगे हमें। फ्रेंडशिप को मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हूँ अपनी लाइफ का। सो जब तुम फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और तुम एक गाने के क्रॉस आते हो जिसमें वो जो यादें, जो मेमोरीज तुमने अपने दोस्तों के साथ बिताई है, ये सब कुछ मेंशनड है, उसके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन उस फील को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो तुम चाहोगे कि यार एक एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर एक गाना तुम्हारी लाइफ में, तुम चाहोगे कि मैं ऐसा बनाऊं। मंजिल है लापता, ले जाएंगे हमें। मतलब वो दोस्त वैसे स्पेशल वंस होते हैं जिनको आप कभी भी कुछ भी बता सकते हो, यू नो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड दे आल्सो एक्ट एज अ मिरर समटाइम्स। तो इन कुछ स्पेसिफिक लोगों का मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा एक इम्प्रिंट रहा है, और क्योंकि ये बॉन्ड इतना स्पेशल है मेरे लिए, तो मैंने और स्वप्निल ने सोचा कि इस पे हम एक गाना बनाते हैं। तो लिखना स्टार्ट किया, एंड आई सेंड ओवर द स्क्रैच टू हिम। पहली बार सुना था तो मैंने कुछ और सोच के कंपोज किया था और लिखा था, बट जब मैंने स्वप्निल को सुनाया और उसने लाइक द वेरी फर्स्ट कॉर्ड ही हैज हिट ऑन द पियानो, वी वर वेरी श्योर कि हम ये गाना कुछ लाइक इट्स पिकिंग अप दैट पेस नेचुरली। थ्रू आउट द सॉन्ग मैंने एक ही टेक में पियानो प्ले किया है, जो आप अभी सुनते हैं मेरे गाने में, जो मैंने पियानो बजाया उसके ऊपर जो एडिशनल लेयर्स हैं और जो एक पियानिस्ट टच जिसे बोलते हैं, तो वो डैनियल ने दिया है। इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग कीबोर्ड प्लेयर, और उसने गाने को फाइनली जो मुझे चाहिए था, जो मैं लैक करता था अपनी पियानो प्लेइंग में, वो उसने कम्प्लीट कर लिया। काफ़ी एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था सॉन्ग के अराउंड, एंड वी वर लाइक वेरी पॉजिटिव कि जो एक इमोशन वी वांटेड टू कन्वे कि भाई दिस इज समथिंग विच इज सो ऑनेस्ट दैट इट्स यू नो बियॉन्ड लाइफ। गाने में अगर आप देखोगे लिरिक वाइज भी, तो अलग अलग माइलस्टोन्स आप बोल सकते हो, जंक्चर्स बोल सकते हो, मोमेंट्स बोल सकते हो ऑफ द लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ फ्रेंडशिप। मेरी नाव की पतवार है, मेरी जीत में मेरी हार में कल मैं रहूं। गाने की जर्नी हो गई है कुछ 3.5-4 साल के आसपास, लॉकडाउन के जस्ट बाद स्टार्ट किया था हमने, देन डैनियल हैपेंड सडनली, जैसे स्वप्निल ने बोला, और उसने एक माइलस्टोन और पहुंचा दिया आगे गाने को। और उसके बाद प्रियांशु को हमने अप्रोच किया, द माइस्ट्रो प्रियांशु हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो उसने फाइनली एक स्ट्रिंग अरेंजमेंट किया, ऑर्केस्ट्रेशन किया गाने के ऊपर, जो इमोशन को काफी हद तक, मतलब जो हमें चाहिए था, हम जो फील कर रहे थे, उसने अपने ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू उस पर बिठा दिया। उसके बाद ईआर ने इसे मिक्स किया और हनीश ने इसे मास्टर किया, और फाइनली द आउटकम इज सो ग्रेट और जैसा मुझे चाहिए था। अभी 4 साल बाद निकला है गाना, एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट ईच ऑफ द वंडरफुल सोल व्हिच आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ, जो मैं चाहूंगा कि हाँ ये लोग मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहे, लाइक यू नो थ्रू थिक्स एंड थिन एंड सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग। तो ये गाना सारे दोस्तों ने ही बनाया है और दोस्तों के लिए ही बनाया है, तो प्लीज जाके सुनिए, थोड़ा प्यार दीजिए इस गाने को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कुछ खास खुद से भी मेरे यार हैं।